रात में 2:30 बजे ससुराल की याद आती है पत्नी की। ये चोरी करने जाते थे संबल उम्बल लेके, चाकू छुरी भी लेके जाते थे। क्या नाम है आपका? संजय चौहान। ये चोरी के काम में कब से हो? पहली बार कर रहे हो। चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बाबूजी को लकवा मार दिया। तो बाबूजी को लकवा कब मारा? 2 महीने हो गया। लकवा मारने से कोई भी आदमी घर में बीमार होगा, शासन की कितनी सारी योजनाएं, स्मार्ट कार्ड की योजना है, आयुष्मान कार्ड का है, खूबचंद बघेल जी स्वास्थ्य योजना है, सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सब में मुफ्त इलाज होता है। तुम्हारे पिताजी ने क्या लकवा के बाद ये बोला क्या, बेटा जाओ चोरी करो और मेरे लिए पैसा लेके आओ, ऐसा बोला उन्होंने? पहले क्या काम करते थे? पीपल लाइन का काम करते थे, ईमानदारी का काम करते थे ना, ईमानदारी का काम जरा अच्छा है। ये शॉर्टकट जो तुम अपनाते हो ये तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो भी एक चोरी नहीं की है, तो 3 चोरी किए, मतलब एक बार खून चढ़ गया तो करते चले गए, पुलिस नहीं पकड़ती तो चोरियों की और लाइन लगाए थे। पहली चोरी कहाँ की आपने? कुम्हारी के किराना दुकान में। जोर से बोलो सर, आवाज नहीं आ रही। जोर से बोलो। कुम्हारी का किराना दुकान है। तुम कुछ आदमी हो यार, जब गलती किए हो तो कम से कम बताओ तो ठीक से। पहला का अपराध कब किए? कुम्हारी में किए थे। कहाँ के रहने वाले हो? चंदन। चंदन जी कहाँ पे है? चंदन जी लादे के आगे से रायपुर में पड़ता है। तो तुम दुर्ग ही क्यों आए चोरी के लिए? रायपुर में बहुत जगह है। मेरे साथ एक लड़का था, वो देख के ना मास्टर माइंड है। क्या नाम है उसका? दीपक राजपूत। वो कहाँ का रहने वाला है? सर वर्तमान में हीरापुर में रहता हूँ। वो भी रायपुर का रहने वाला है ना? हाँ, तो रायपुर में हीरापुर। तो दुर्ग में क्यों देख रहा था वो चोरी के लिए? उसको ऐसा लगा क्या कि दुर्ग पुलिस कमजोर है, दुर्ग में आराम से चोरी करके रायपुर वापस भाग जाएंगे, ऐसा सोचा उसने? तो पहला चोरी तुमने किया कुम्हारी में, कितना का चोरी किया? 30,000 कैश चोरी किया। और थोड़ा बहुत चांदी चोरी, थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए, तो जिसका चोरी होता है उसे पता चलता है। कितने बजे रात में चोरी किए थे? 2:30 बजे। रायपुर से निकले कितने बजे थे? 2:30। रायपुर से निकले 2:30 बजे, वहाँ कुम्हारी पहुँचे, वहाँ चोरी किए। तुम्हें डर नहीं लगा कि चोरी करते हुए पकड़ लेंगे, कुछ लोग जम जाएंगे? कितने लोग थे चोरी करने? 2 लोग थे। तो उसको तोड़ा किसने साइड से? दीपक किया। तुमने क्या कार्य किया उसमें? तुम फाइल में देख रहे थे, तुम्हें देखने के लिए बुलाया उसने। तुम्हारे देखने से जल्दी कट जाता है, कुछ ऐसा है या तुम्हारे अंदर दैविक शक्ति है? देखने के लिए तो कोई बुलाएगा नहीं। पब्लिक को तुम रेकी करते थे, बाहर रहते थे, कोई पब्लिक की तरफ कोई आने लगी तो तुमको वो करोगे, मतलब वो क्या कहते अलार्म टाइप का थे, तुम जनता पर तुम्हारी नज़र रहती थी। वो अंदर घुसा, तुम भी अंदर घुसे, वही अंदर घुसे, तुम बाहर फिर वो चौकीदारी कर रहे थे, कोई आए तो तुम बताते हो। वहाँ चोरी कर दिया, कितने घंटे में चोरी कर दिए तुमको? आधा घंटे में चोरी कर दिए। दूसरी चोरी कब की है? पहली चोरी किस तारीख को की है? कब का है पहला चोरी? बहुत पहले का है सर, 1 महीना पहले का। 1.5 महीना पहले पहला चोरी किए। दूसरा चोरी कब की है? शिक्षा गेट में, जेलर से सर उसको सिरसा गेट में। तुम थोड़ा और आगे बढ़े, कुम्हारी में सफल हो गए, थोड़ा और आगे बढ़े सिरसा गेट। सिरसा गेट में कितने की चोरी की है? वो रात में कितने बजे की है? मतलब चोरी का ये पीक टाइम है इन लोगों का, 2 बजे। इस रास्ते में जितना जितना कदम बढ़ाए क्या विकास अगर पुलिस को नजर आई? नहीं, एक एक करके आए, तीनों का जान तो नहीं। सिरसा गेट में किए, उसमें कितने की चोरी की है? लेकिन इसमें जो माल मिला था चांदी को, तो बंटवारे की जिम्मेदारी में थे, लेकिन बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा किससे किससे बंटवारा? चांदी मिला था सर उसमें, और कुछ कैश था, वही 2,000 कैश था। तो कितने बांटे तुम लोग? नहीं सर, बांटने का योजना था तो मेरे पास रखाया था। तुम रखे हुए थे अपने पास? तो बट वो नहीं आया ना, तो बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा नहीं हो पाया, पूरा पकड़ा गया।
पूरा मार्केट से मिल गया। चलो गुड, किस्मत की बात है, गलाए नहीं दूंगा। उसके बाद तीसरा कहाँ किए? राइट कट गए ऊपर, तो पूरा जिला भ्रमण में थे तुम लोग, मतलब एक एक करके पूरे जिले में घूम रहे थे। हाँ, धमदा घूमते हुए इधर से दूर ग्रामीण होते हुए, तुमने कोई जिला भ्रमण का लाइसेंस किया हुआ था क्या? घुमौता लाइसेंस टाइप का, वहाँ पे कितना चोरी की है? डेढ़ सौ ग्राम बस चांदी, 150 ग्राम चांदी भी भैया 10,000 रुपए का होता है, कमाओगे तो 10,000 की कीमत मालूम चलेगी। कैसे बंटवारा करते थे? हाँ, किस कैसे बंटवारा होता होने वाला था? कितने लोगों में बंटता हो? दो आदमी में बंटा, तुरंत बंट जाना चाहिए था। फिर तो मार्च में चोरी क्या चल दिया था सर, वो आया नहीं था। वो क्या अलग चोरी भी करता है क्या? तुम तो अलग हो गए, साथ भी करता था? नहीं नहीं सर, उसके सर पहली बार पहले वो अंदर भी हो चुका है। कौन सी जेल में गया है वो? रायपुर जेल में। आप गए हो कभी जेल? नहीं सर, वो डीजल चोरी करता था सर। डीजल चोरी में साथ निभाते थे? नहीं सर, मैं नहीं, क्यों तो ये सिर्फ इसी में सर के साथ पहली बार सर निकल रहा। तो इतना दिन 2:30 बजे तो घूमते थे, कभी पुलिस वाले नहीं टकराए तुम लोग से? कभी रोके हो पुलिस वाले हो, कभी कुछ ऐसा हुआ? पेट्रोलिंग देखी थी क्या? पूछी पेट्रोलिंग क्या पूछी? ससुराल जा रहे हैं? ससुराल? तुम लोग क्या बाइक में आते थे, कैसे जाते थे? बाइक के नंबर था कि ऐसे ही था? चोरी का बाइक है, खुद का बाइक है। चोरी को बाइक को भी जब्त करना है जी। दीपक राजपूत फरार है। फरार है जी। तुम बाइक वगैरह रखते हो? नहीं रखते हैं चलाने। अगर तुम रेकी अच्छा कर तो देख के खरीद सकते हो ना, इसलिए उनको बाहर खड़ा कर देता था वो। उसका चॉइस अच्छा था, ये कैमोफ्लाज टी शर्ट अच्छा था। खुद को पुलिस वाला ही बोल दोगे कभी? जनता से क्या अपील करना चाहोगे? दोबारा आप नहीं करोगे? और मान लो तुम तो क्योंकि बाहर खड़े रहते थे तो तुम्हें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, कैसे चोरी से बचा जाए? यदि व्यापारी चोरी से बचना चाहता है तो क्या उपाय है बचने का? बाहर की भारी की वाला सीसी कैमरा लगाना है। सीसी गलती मेरे से हुआ है, और जितने भी दुकानदार हैं उनको कम से कम तो 22 स्टेप पर कैमरा उसमें लगाना चाहिए। कैमरा बारीकी वाला लगाना, बारीकी वाला। अच्छी बता, सही बता रहा है, हाई क्वालिटी लगाना चाहिए। बारीकी वाला जो दिखे स्पाई वाला कैमरा ही बता रहा है। स्पाई वाला मतलब कहीं छिपा के लगा के रखे, DVR भी निकाल लेते हैं। देखो कितना समझदार बच्चा है, बता रहा है कि एक तो सीसी कैमरा लगाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? अपने डोर में अलार्म टाइप का भी लगा सकते हैं कि कोई डोर को तोड़ेगा या कुछ करेगा तो अलार्म बजे। क्यों भाई, तुम लोग संभल से ऐसे तोड़ते हो और ये अलार्म रहेगा तो भागोगे नहीं भागोगे? अधूरा ही रह जाएगा वो। और क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मैडम आप इधर बीच में और क्या करना चाहिए? गार्ड रखना चाहिए। गार्ड रखना चाहिए, सही बोल रहा है। गार्ड रखना चाहिए। गार्ड रखने से क्या फायदा है? गार्ड रखने से सर आज चोर भी वहाँ तक गुजरेगा नहीं। अगर वहाँ बाहरी चोर अगर हथियार कुछ भी करता है तो समय तक आदमी अपने थानेदारों या अपने आसपास लोगों को सूचित कर और ये चोरी करने जाते थे संबल उम्बल लेके, चाकू छुरी भी लेके जाते थे? नहीं सर, नहीं सर। अभी मान लो अलर्ट हो गए भाग जाते तुम लोग, वो लड़के गला भी दबाते नहीं। मान लो अभी वो गार्ड होता रोकने की कोशिश करता, गार्ड तो हमला करते कि भाग खड़े होते? नहीं सर, हम यहीं के सर, हम ये सब नहीं करते सर। सही, डकैती नहीं करते, चोरी करते हो, ईमानदार हो तुम। तो ये है, तो गार्ड रखना चाहिए, अलार्म रखना चाहिए, अच्छे CCTV कैमरा लगाया चाहिए अंदर भी और बाहर भी। और क्या करना चाहिए? चोर हो ना, चोर की तरफ सोचो कि क्या होगा तो चोरी नहीं क्या करते, जो को ध्यान रखते हो जब पहुंचते हो तो। चलो
एक और लाइट ठीक ठाक रखनी चाहिए, बाहर लाइट बंद कर देते हैं ज्यादा, बाहर लाइट रखना चाहिए जिससे कि कोई पुलिस वाले आए तो उसको दिखे। कभी भी कम से कम 8-10 यदि अपना गार्ड नहीं रख पाते हैं तो 10-15 दुकान वालों को मिलके अपना एक एसोसिएशन बना के एक कॉमन गार्ड रखे जो घूमता रहे वहाँ पे, जिससे कि रेकी करने वाला आएगा तो देखेगा यहाँ गार्ड है तो वहाँ पे वो कोशिश ही नहीं करेगा। पुलिस वालों को क्या करना चाहिए कि चोरी से बचे थे व्यापारी हो गया पुलिस, तो पुलिस वालों क्या करना चाहिए, तो बेवकूफ बना दिए ससुराल का बोल के। एक तो ससुराल जाने वालों को डाउट करना चाहिए ससुराल क्यों जा रहा है, वो तो आत्म ने सही बोलेगी, कोई ससुराल की बात करे वही रात में 2:30 बजे। एक इसने अच्छा बोला कि ज्यादातर चोरी रात में 2-3 के बीच में होती है, तो हमारे पेट्रोलिंग के लिए जरूरी है कि हम रात में 2-3 का जो टाइम है क्योंकि उसको हम सतर्क रहे। भाई एक ये टाइमिंग की बात आपने बताई कि 2-3 सतर्कता, दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है पुलिस के लिए किसी भी अज्ञात लोग को देखें तो उसका प्रॉपर आईडी चेक करें, वो कहाँ उसका घर है क्या है, फोन पे बात करें, जो ऐसे हम सीधा पूछ के भी छोड़ देते हैं तो वो भी गड़बड़ है। क्यों भाई, अरे मान लो पुलिस वाले ठीक है पूछताछ करेंगे फिर हिम्मत होगी उस टाइम जाके चोरी करने की, उसका फोटो भी जाएगा वो तो पुलिस को भी सुझाव देना अभी बढ़ा जाएगा दे रहा। इसीलिए कोई भी संदिग्ध आदमी है उसका मोबाइल से अपने को कैमरा में फोटो खींचना चाहिए, उसे भी डरेगा फोटो आ गया तो क्यों भाई डरेगा ही, अपराधी आदमी को डर तो रहेगा, ये डरते हैं क्या अपराधी, ऐसा देखो ये भी इसने सही चीज बताई, जितने रात में पेट्रोलिंग वाले हैं सबको वर्दी में रहना चाहिए, काफी पेट्रोलिंग वाले सिविल में घूमते हैं, क्यों भाई क्राइम ब्रांच प्रभारी जी गश्ती वालों को बोल रहे हैं सर, जो गश्त कर रहे हैं इसलिए रात में जो भी पुलिस वाला घूमता है सभी को वर्दी में घूमना चाहिए, क्यों भाई वर्दी वाले से ज्यादा डर लगता है सिविल वाले से, एक तो पुलिस की गाड़ी में देखोगे तो लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा रहता है पेट्रोलिंग पुलिस लिखा रहता है, तो एक तो गाड़ी देख के पहचान जाओगे और कैसे पहचानोगे, नहीं नहीं वो तो उस बाहर खड़े होकर रेकी जो करते थे तो क्या देखते थे दोनों तरफ, अगर सिविल में आ जाता पुलिस वाले से पब्लिक को देखते थे कोई आ ना जाए,